हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और होली की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ, सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर करें। ये देखिए, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, अखरोट, बादाम, काजू। आप चाहें तो इसमें चिरौंजी किशमिश भी डाल सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो। ये मैंने नारियल का बुरादा लिया है, ये मावा लिया है मैंने, ये मैंने मैदा लिया है एक बॉल, और ये मैंने बूरा शक्कर लिया है। अब मैं ये ड्राई फ्रूट्स को मैं चाकू से काटूंगी, और चाकू से काट के मैं मावे में मिलाऊंगी। ये मैंने इलायची लौंग लिया है, जो कि मैं इसको महीन महीन पीस के इसमें मावे में मैं मिलाऊंगी। ये मैंने 1 चम्मच भुना हुआ रवा लिया है, जो मावे में मिलाऊंगी, जिससे कि गुजिया में चीनी अगर बाई चांस ज़्यादा भी हो जाती है तो गुजिया फूटे नहीं। और ये चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, जिस हिसाब से आप कम मीठा ज़्यादा खाती हूँ उस हिसाब से। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और मैं इस गुजिया की सहायता से मैं बनाऊंगी। ये मैंने मावे को एक बाउल में मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें पूरा शक्कर ऐड कर रही हूँ, और ये मैं नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ। ये मैं महीन महीन मैंने काट लिया है ड्राई फ्रूट्स, वो ऐड कर रही हूँ। ये मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये मैं 2 चम्मच करीब रवा ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको सारे को मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको मैं रख दूंगी। अब मैं मैदा तैयार कर रही हूँ। मैदे के लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने एक बाउल मैदा ऐड किया है, और इसमें से मैंने थोड़ा सा मैदा निकाल लिया है एक कटोरी में, जो कि गुजिया बनाते समय इसको गीला करके मैं गुजिया में लगाऊंगी। अब मैं इसमें बीच में होल टाइप का मैं बनाती हूँ, और मैं ये देसी घी मैंने मेल्ट किया हुआ है, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी जितना जरूरत होगा। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ और देखती हूँ कि आयल हो गया है, आयल नहीं मतलब घी परफेक्ट हो गया है कि नहीं हो गया है। घी की पहचान यह है कि अगर मैदे में लड्डू टाइप का बनने लगे, तब ये समझिए कि आप इसमें घी परफेक्ट है। लड्डू टाइप का बनना है इसलिए इसमें परफेक्ट है। आप चाहें तो इसको दूध से भी सान सकती हैं, और चाहें पानी से भी सान सकती हैं। मैं इसको पानी से सान रही हूं। ये देखिए, मेरा मैदा परफेक्ट सन के रेडी हो गया है। अब मैं इसके छोटे छोटे बाउल बना लेंगे, और छोटी छोटी सी पूड़िया मैं बेलूंगी। और ये जो मैंने मावा मिक्स कर लिया है, और मिक्स करके मैं इसके भी छोटे छोटे बॉल टाइप के बना लूंगी, जो कि मैंने ये बना के मैंने रखे हैं। जो अब छोटी छोटी पूड़ियां बेल के उसके अंदर मैं भरूंगी। इधर मैं गैस पे ऑन करके मैं इसमें देसी घी डाल देती हूँ गरम होने के लिए, फिर इधर पूड़ियां मैं बेलती हूँ।
ये देखिए मैं पापड़ बेल रही हूँ। इस तरह से मैंने ये सारे पापड़ बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। ये मैं और बेल रही हूँ। आप चाहे तो गिलास से भी काट सकती हैं और नहीं तो सांचे से जो एक्स्ट्रा होता है वो अपने आप निकल जाता है। ये देखिए जो एक चम्मच मैंने मैदा लिया था तो इसको मैंने पानी से घोल लिया है। अब मैं ये देखिए ऐसे इसको पूरे में लगा लेते हैं और लगाने के बाद मावा रख देते हैं। रखने के बाद ऐसे बनके ये रेडी हो जाती है। उसके बाद सांचे में ऐसे रख के इसको ऐसे दबा देते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है और गुजिया परफेक्ट बनके रेडी हो जाती है। और इसे ये देखिए ऐसे भर लेते हैं और भरने के बाद ऐसे दबा देते हैं। एक बार में बनके रेडी हो गई। ये देखिए इसके अंदर हम इसको रख देंगे और रखने के बाद इसी तरह हमने ये भी निकाल लिया है। निकाल के अब इसमें डाल लेंगे। तो धीमी धीमी आंच में गुलाबी गुलाबी में पका लूंगी अच्छे से। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, बस आंच धीमी होनी चाहिए और धीमी आंच में धीरे से इसको बना ले। इसी तरह मैं सारी गुड़िया बना लेती हूँ। ये देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, ये जो किनारे किनारे ऐसे रह जाता परफेक्ट नहीं होता, वो काटने में सांचे से सब निकल जाता है। बस पूड़ियां ऐसे छोटी छोटी बेल लेते हैं, बेलने के बाद फिलिंग इसके अंदर भर देते हैं। अभी आपको फिर से भर के दिखा रही हूँ। जैसे ये बिल गई है पूड़ी, बीच में थोड़ा सा ये देसी घी जो गरम हो रहा है इसी का थोड़ा सा यहाँ पे डाल लेते हैं चौकी पे, जिससे और इसमें बेलन में भी लगा लेते हैं जिससे कि अच्छे से बिलने में आराम रहता है। ये देखिए अब ये जो गीला मैदा मैंने किया था इसको ऐसे चारों तरफ से ऐसे लगा लेते हैं गोलाई से और बस इसको एक साइड में इसका फिलिंग भरते हैं। ये एक साइड में फिलिंग भरी और भरने के बाद दूसरे साइड से मैं इसको ऐसे मैं दबा दूंगी। ये देखिए अब मैं इसको सांचे में रख के काट लूंगी। ये देखिए इसमें मैं ये लगा रही हूं। फिर लगाने के बाद एक साइड में खोया भी तो अच्छे से होना चाहिए, भरेंगे तभी खाने में भी अच्छी लगेगी और टेस्टी लगेगी। चीनी इनी आप अपने हिसाब से डालिए, रिकॉर्डिंग जितना आप मीठा कम ज्यादा खाती हूँ। गुजिया हम अभी आपको और ये देखिए बनके रेडी हो गई। अब ये वाली देखो हम बना रहे हैं। बनके रेडी ये देखिए ऐसे चारों तरफ लगा दिया। लगाने के बाद आप इस तरह से छोटे छोटे बॉल टाइप के भी बना के और इसमें रख सकती हैं। ऐसे रख दें और रखने के बाद एक साइड से ऐसे बंद कर दें
और ऐसे अंगूठे से दबा दें। ये देखिए बनके रेडी हो गई। अब मैं इसमें सांचे में मैं रखती हूँ, देखिए आप ऐसे रख दूंगी और रखने के बाद इसको परफेक्ट ऐसे करने के बाद मैं इसको ऐसे दबा दूंगी। ये देखिए जितना एक्स्ट्रा था ये निकल गया और गुजिया ये देखिए परफेक्ट बनके रेडी हो गई है। इसी तरह मैं ये दोनों भी निकाल लूंगी और निकाल के फिर एक साथ ही डाल दूंगी। ये देखिए मैंने काट लिया है तीनों और काट के मैं अब इसमें डाल रही हूँ। पिंक हो जाएंगे जब तो मैं इनको निकाल दूंगी। अगर आपको सांचा से नहीं भी काटना है तो आप गिलास से ही एक साइज की काट लीजिए और काटने के बाद आप ऐसे ही दबा लीजिए पानी, यही आटा नहीं मैदा और ये डाल के पानी से घोल बना के चिपका लीजिए। ये देखिए बनके मेरी गुजिया सारी रेडी हो गई है। ये देखिए मेरी सारी गुजिया मैंने निकाल ली है और बनके मेरी गुजिया रेडी हो गई है। देखिए फ्रेंड मेरी गुजिया बनके रेडी हो गई है आपके लिए। आप और इसके ऊपर मैंने पिस्ते को ग्रेट करके मैंने ये डेकोरेशन किया है इसका। और मैं धीरे धीरे और भी गुजिया तरह की गुजिया आपके साथ शेयर करूंगी और आप भी बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी गुजिया मेरी बनी है। और कमेंट भी करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप मेरे मोटिवेशन करें।